लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी टीम इंडिया के लिए बेहद शर्मनाक पारियों में से एक है। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने महज 35.2 ओवरों में टीम इंडिया को 107 रनों पर समेट दिया और टीम इंडिया के बल्लेबाज इस बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी ज्यादा दुख देने वाला था। दरअसल चेतेश्वर पुजारा एक समय ऐसा लग रहा था कि अपनी लय पकड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली के साथ उन्हें एक अच्छी पार्टनरशिप करनी थी, लेकिन विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चेतेश्वर पुजारा रनआउट हो गए। और रनआउट होने के बाद पुजारा ने दिन का खेल खत्म होने के बाद साफ तौर पर कहा कि आज हमारी टीम ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। हालांकि पिच अच्छी नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन हमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, हमें कम से कम 200 रन बनाने चाहिए थे इस पूरी इनिंग में। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुजारा का ये रनआउट होना उनके दुख पर साफ झलक रहा था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।